और हमें ऐसा लगता है कि अब बस, अब कोई रास्ता नहीं है। और मतलब हमें सीधा सीधा ये लगता है कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। हमारे सामने एक के बाद एक दिक्कतें आती जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। कुछ भी सोचना समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाहे जो हो जाए, चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, ये एक बात ध्यान रखें कि इट इज स्टिल पॉसिबल, तुम अभी भी कर सकते हो। तो क्या हुआ अगर ये रास्ता हार्ड है, क्या फर्क पड़ता है तुमको? अरे जब सोच ही लिया है अपनी मंजिल को हासिल करने का, तो फिर इन सब बातों से डरना बेकार है, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। बस ध्यान रखने वाली बात एक है कि इफ दिस इज समथिंग दैट गिव्स योर लाइफ वैल्यू, देन आई विल डू इट। अगर वो काम तुम्हारे लिए वैल्यू रखता है तो तुम उस काम को कुछ ना कुछ तरीके से जरूर कर लोगे, तुम रास्ता जरूर ढूंढ लोगे उस काम को करने का। बस वो काम तुम्हारा पैशन होना चाहिए, तुम्हें उससे प्यार होना चाहिए, वो काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुमको बना जाए, तुमको कुछ हासिल करवा जाए। चांदी के चम्मच सबको नसीब नहीं होते, लेकिन जिनमें अपना नसीब बनाने की ताकत होती है वो चांदी के चम्मच हासिल जरूर कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो हर बात में बस रोते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। अरे रोने वालों, कब तक ये रोना मचाओगे? और मिल क्या जाएगा तुमको रोने से? बल्कि आंसू खत्म हो जाएंगे एक दिन रोते रोते। अरे करना ही है अगर कुछ तो हिम्मत वाला काम करो, रोना तो डरपोक लोगों का काम है। हाँ ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन जो भी है तुम्हारे सामने और तुमको ये करना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तुम्हारा रोना सुन के लोग तुमको सिर्फ भीख दे सकते हैं, जिसे हम आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में सिंपथी कहते हैं या कंधा कहते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद उनको पूरा करने की कसम नहीं खा लेते, तुम खुद उनको जिंदा रखने की कसम नहीं खा लेते। थोड़ा अपना स्टैंडर्ड को सेट करो, वो काम करना बिल्कुल बंद कर दो जो तुमको तुम्हारे सपने से दूर ले जाए, चाहे वो टीवी देखना हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, फालतू का टाइम पास करना हो, कुछ भी। अरे ये सब धरा का धरा रह जाएगा यार अगर तुमने खुद के लिए सोचना शुरू नहीं किया तो। थोड़े सेल्फिश बनो, क्योंकि आज नहीं तो कल सब सेल्फिश बन जाएंगे और तुम मेरे दोस्त अकेले रह जाओ। उठो एक बार, कोशिश तो करो, अपना प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ। कितने बार फेल हो गए यार, ये सोचो जरा, कितने बार, खुद ही बताओ। अरे कभी तो इस हार के पार निकलोगे, तो बस लगे रहो, कोई डरना किस बात का। जब तुम अपने काम से प्यार करने लगोगे ना, तुमको फिर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस लगे रहोगे कि नहीं, मुझे खत्म करना ही है। और हाँ, ये जो तुम्हारा हार्डवर्क है ना, इसका रिवॉर्ड तुमको जरूर मिलेगा, याद रखना, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा।